दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि जो हमारा एमसीबी होता है वो कितने टाइप के होता है और उन सभी एमसीबी को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों देखिएगा, जो हमारा एमसीबी होता है ये हमें दो टाइप के प्रोटेक्शन देता है, पहला तो ओवरलोड का और सेकंड शॉर्ट सर्किट का। दोस्तों जो हमारा एमसीबी होता है, एमसीबी के ऊपर में आपको ओवरलोड का रेटिंग और शॉर्ट सर्किट का रेटिंग लिखा होता है। जैसे कि दोस्तों आप जब एमसीबी को देखोगे तो यहाँ पे आप कुछ लिखा हुआ देखोगे, जैसे कि C10, C25, C32, इसी प्रकार से आप B10, B25 इस टाइप से लिखा हुआ मिलता है। अब यहाँ पे जो ये C10 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ओवरलोड का प्रोटेक्शन, यानी कि जो हमारा एमसीबी है वो ओवरलोड के प्रोटेक्शन पे कब ऑपरेट होगा उसका डिटेल C10 में होता है। अब यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000, तो ये जो हमारा एमसीबी है ये शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में कितना एम्पियर तक सहन कर सकता है उसका डिटेल हमें यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा एमसीबी होता है उसके यदि दो वायर आपस में टच हो जाते हैं, यानी कि दोस्तों जो हमारा फेस वायर होता है वो यदि आपस में कनेक्ट हो जाता है या फिर फेस वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कनेक्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता है। यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो 100-200 एम्पीयर नहीं होगा, वहाँ पे 1000-2000-3000 इस टाइप से करंट फ्लो होगा। अब यहाँ पे जो हमारा एमसीबी होता है यदि इसमें से हम 1000-2000 एम्पीयर भी करंट फ्लो करवा देते हैं तो उस कंडीशन में भी खराब नहीं होगा। कब तक खराब नहीं होगा? जितना यहाँ पे वैल्यू लिखा गया, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000, यदि आपके एमसीबी में 10,000 लिखा है इसका मतलब ये है कि शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में ये जो हमारा एमसीबी है इसके अंदर से हम 10,000 एम्पीयर तक करंट को फ्लो करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो करंट का फ्लो है उसके लिए कुछ समय होता है, समय डिसाइड करता है। यहाँ पे जो सेकंड डिजिट लिखा हुआ है 3, ये हमें बताता है कितने समय तक इसमें से हम करंट को फ्लो करवा सकते हैं। ठीक है, यदि इसमें से 10,000 से ज्यादा करंट फ्लो हो जाती है तो उस कंडीशन में हमारा एमसीबी खराब हो जाएगा और ये ऑपरेट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम शॉर्ट सर्किट के लिए डिटेल में बात नहीं करेंगे, इसके लिए आप चाहोगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे केवल ओवरलोड के कंडीशन की बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा एमसीबी है उसमें जो C10 लिखा होता है इसका दो मतलब होते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है C और 10, सी का मतलब होता है टाइप्स और 10 का मतलब होता है करंट यानी कि रेटिंग। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा 10 है आपको मालूम ही होगा, यदि यहाँ पे 10 लिखा है तो ये जो हमारा एमसीबी है ये 10 एम्पियर तक करंट को फ्लो करवाएगा और जैसे ही इसमें से 11 एम्पियर करंट फ्लो होने लगता है ये जो हमारा एमसीबी है वो ट्रिप हो जाएगा। दोस्तों वैसे तो हमारा एमसीबी 10 एम्पियर पे ट्रिप हो जाएगा, लेकिन ट्रिप करने के लिए हमारे जो एमसीबी के अंदर बायोमेट्रिक स्ट्रिप लगा होता है उसको गर्म होने के लिए टाइम चाहिए होता है, यानी कि जैसे ही 10 एम्पियर हमारे एमसीबी में फ्लो होने लगता है तुरंत ही ट्रिप नहीं होगा, उसको ट्रिप कराने के लिए कुछ ना कुछ समय लगता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों यदि हमारे एमसीबी में से अचानक से करंट ज्यादा फ्लो होने लगेगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो टाइप है इस पे डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी इसको ट्रिप करा देगा। ठीक है, और इसी टाइप के बारे में हम इस वीडियो के द्वारा बात करने वाले हैं। दोस्तों जो हमारा एमसीबी होता है वो टोटल 5 टाइप के आते हैं। पहला हमारा एमसीबी बी टाइप का आता है, उसके बाद सी टाइप का, उसके बाद में डी टाइप का, उसके बाद दोस्तों के, और उसके बाद में जेड टाइप का एमसीबी आता है। ठीक है दोस्तों, कुल मिला के 5 टाइप के एमसीबी आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको 4 चीजें बता देता हूँ, पहला तो टाइप, सेकेंड ट्रिपिंग करंट, थर्ड ऑपरेटिंग टाइम, और इसके बाद में इसका हम यूजेस के बारे में भी देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बी टाइप के एमसीबी का। दोस्तों जो हमारा बी टाइप का एमसीबी होता है उसका जो ट्रिपिंग करंट होता है वो 3 से 5 गुना होता है, यानी कि दोस्तों जो हमारा एमसीबी है, यहाँ पे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमारा एमसीबी 10 एम्पियर का है। ठीक है, अब होता क्या है, हमारा जो एमसीबी है वो नॉर्मल वर्क कर रहा है, लेकिन किसी कारण से अचानक से एमसीबी में करंट ज्यादा फ्लो होने लगा। कितना ज्यादा फ्लो होने लगा? 3 गुना से लेके 5 गुना तक। यदि हमारे एमसीबी में से 3 गुना से लेके 5 गुना तक करंट फ्लो ज्यादा होने लगता है तो उस कंडीशन में हमारा एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है ओवर करंट की। यदि अचानक से करंट बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में हमारा एमसीबी ट्रिप होगा। अब यहाँ पे जो हमारा करंट ज्यादा हो गया वो कितने टाइम के बाद एमसीबी को ट्रिप कराएगा उसका डिपेंड करता है ऑपरेटिंग टाइम पे। तो यहाँ पे जो हमारा बी टाइप का एमसीबी है ये 0.04 से लेके 13 सेकंड के बीच में हमारे एमसीबी को ट्रिप करा देगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो हमारा 10 एम्पियर का बी टाइप का एमसीबी था उसमें से 3 से लेके 5 गुना तक करंट फ्लो होता, यानी कि 30 एम्पियर भी करंट उसमें से फ्लो होने लगा तो जो हमारा एमसीबी है वो 0.04 सेकंड से लेके 13 सेकंड के बीच में ही ट्रिप हो जाएगा, यानी कि मिनिमम 0.04 सेकंड लेगा। ठीक है, और मैक्सिमम 13 सेकंड लेगा उसको ट्रिप कराने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हमारा बी टाइप का एमसीबी है इसका इस्तेमाल हम कहां पे करेंगे?
तो दोस्तों देखिएगा, बी टाइप के एमसीवी का इस्तेमाल हम रेसिस्टिव लोड और डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। रेसिस्टिव लोड का मतलब हमारा जो बल्ब होता है, इनकैंडेंसी लैंप जो होती है, वो हमारा रेसिस्टिव लोड हो गया, और जो हमारा हीटर होता है वो भी रेसिस्टिव लोड होता है, उसके लिए हम यहाँ पे बी टाइप के एमसीवी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हमारा जो एमसीवी आता है वो सी टाइप का आता है। अब ये जो हमारा सी टाइप का एमसीवी है उसका जो ट्रिपिंग करंट होता है वो 5 से लेकर 10 गुना तक होता है। यानी कि यदि आपके पास में 10 एम्पियर का सी टाइप का एमसीवी है, यदि उसमें से 50 एम्पियर करंट फ्लो होने लगेगा तो वो हमारा एमसीवी ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, कितने समय में ट्रिप होगा यहाँ पे देख लीजिए, जो हमारा एमसीवी है वो 0.04 सेकंड से लेके 5 सेकंड के बीच में हमारा एमसीवी ट्रिप हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हमारा सी टाइप का एमसीवी है इसका इस्तेमाल हम कमर्शियल के लिए और इंडस्ट्रियल यूज के लिए करते हैं। कमर्शियल का मतलब आपका जो ऑफिस होता है, बिल्डिंग होती है, उन जगह पे हम सी टाइप के एमसीवी इस्तेमाल करते हैं, और इंडस्ट्री में भी हम सी टाइप के ही एमसीवी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे घरों में दोस्तों हम चाहे तो बी टाइप का या फिर सी टाइप का भी एमसीवी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीफर करिएगा आप बी टाइप का एमसीवी इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि दोस्तों जो हमारा बी टाइप का एमसीवी होगा वो 3 से लेकर 5 गुना तक ज्यादा करंट फ्लो होने पे ट्रिप करा देगा, और इसका जो ट्रिपिंग टाइम है वो 0.04 से लेकर 13 सेकंड तक होता है। ठीक है, अब इसके बाद में जो हमारा तीसरा नंबर का एमसीवी आता है वो डी टाइप का आता है। डी टाइप का जो एमसीवी होता है इसका ट्रिपिंग करंट 10 से लेकर 20 गुना तक होती है। यानी कि दोस्तों यदि हमारा जो एमसीवी है वो 10 एम्पियर का है और वो डी टाइप का है, तो यदि उस एमसीवी में से 100 एम्पियर तक करंट फ्लो होने लगता है तो उस कंडीशन में हमारा एमसीवी ट्रिप होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हमारा एमसीवी है ये कितने टाइम में ट्रिप होगा देख लीजिए, ये जो हमारा डी टाइप का एमसीवी है ये 0.04 से 3 सेकंड के बीच में एमसीवी ट्रिप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों डी टाइप का जो एमसीवी होता है इसका इस्तेमाल हम हाई स्टार्टिंग करंट वाले इक्विपमेंट के लिए करते हैं। यानी कि दोस्तों मोटर को जब चालू करेंगे तो वो ज्यादा करंट लेगा, उसके बाद करंट जो होता है वो कम हो जाता है, तो हमारा जो मोटर होता है उसके लिए हम डी टाइप का जो एमसीवी है उसका इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आपके घर के लिए कभी भी डी टाइप का एमसीवी इस्तेमाल नहीं करिएगा। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट एमसीवी होता है वो होता है के टाइप का। दोस्तों जो के टाइप का एमसीवी होता है उसका जो ट्रिपिंग करंट है वो 8 गुना से लेके 12 गुना तक होता है। अब ये जो हमारा के टाइप का एमसीवी होता है इसको ट्रिप करने के लिए 0.1 सेकंड से भी कम समय लगता है। यानी कि जैसे ही हमारे एमसीवी में से 8 से लेके 10 गुना तक करंट फ्लो हुआ तुरंत ही हमारा एमसीवी ट्रिप हो जाएगा। यहाँ पे ट्रिप करने के लिए इसको 0.1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हमारा के टाइप का एमसीवी है इसका इस्तेमाल हम बैटरी चार्जर में, एक्सरे मशीन में, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो होती है उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जो हमारा जेड टाइप का एमसीवी होता है इस एमसीवी का जो ट्रिपिंग करंट होती है वो 2 से लेकर 3 गुना तक होती है। अब ये जो हमारा जेड टाइप का एमसीवी है इसको ट्रिप करने के लिए केवल 0.1 सेकंड का टाइम लगता है, यानी कि इससे भी कम समय में हमारा एमसीवी ट्रिप हो जाएगा। दोस्तों जेड टाइप का जो एमसीवी होता है इसका इस्तेमाल हम सेमीकंडक्टर में करते हैं, यानी कि जितने भी हमारे सेमीकंडक्टर के इक्विपमेंट होते हैं उनके लिए हम जेड टाइप के एमसीवी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है उसमें हम ज्यादा करंट फ्लो नहीं करवा सकते हैं। ये जो हमारा जेड टाइप का एमसीवी होता है ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, यानी कि जैसे ही इसमें करंट ज्यादा फ्लो होना स्टार्ट हुआ तुरंत ही एमसीवी को ट्रिप करा देगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।